हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही पॉपुलर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ कोल्ड कॉफ़ी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले एक बाउल, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब कॉफ़ी। मैंने यहाँ पर इंस्टेंट कॉफ़ी ली है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून के करीब शुगर, आप चाहें तो 3 टीस्पून भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे करीब 3 टेबलस्पून पानी। मैंने यहाँ पर ल्यूकवॉर्म वाटर लिया है, यानी कि गुनगुना पानी ही हमें लेना है, जिससे शुगर इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। अच्छी तरह मिलाएंगे इसे, और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फेंटना है। तो देखें, यहाँ पर शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर जार, और उसमें मैंने ऐड किया है करीब 1 बड़ा गिलास दूध का। दूध हमें यहाँ पर बिल्कुल ठंडा यानी कि चिल्ड ही लेना है। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी सिरप, जो हमने बनाकर रखा हुआ था। अब इसमें डाल देंगे हम आइस क्यूब्स। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी बनाने का सीक्रेट यही होता है कि वो उसमें चिल्ड मिल्क यूज़ करते हैं। मैंने इसे यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है एक सर्विंग ग्लास, और इसे हम कोट करेंगे चॉकलेट सिरप से। अब हमने कोल्ड कॉफ़ी जो बना कर रखी हुई है उसे हम इसमें डाल देंगे। कॉफ़ी ब्लेंड करने के बाद मिक्सर में जो थोड़े से झाग रह जाते हैं ना, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इससे कॉफ़ी में एक फ्रॉदी लुक आता है। और अब इसे डेकोरेट करने के लिए हम इसमें ऊपर से डालेंगे चॉकलेट सिरप। इसे डालने से इसमें टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। साथ ही में लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर टेस्ट के लिए। तो लीजिए, तैयार है कोल्ड कॉफ़ी। अब इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या इसे सर्व करने से पहले आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर सर्व करें।